जैसे इंडिया पाकिस्तान में वॉर है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी डज नॉट रिक्वायर कंसेंट ऑफ एनी कंट्रीज, ओनली P5 कंसेंट, वेयर एज पीस कीपिंग रिक्वायर्स कंसेंट बिटवीन द पार्टीज या कंसेंट ऑफ द पार्टीज. Now, peacekeeping is also not in UN Charter. So, UN Charter needs to be amended for this purpose also. Which body authorizes? Security Council authorizes peacekeeping. Blue helmets work. Jo hai. Anything can happen only with the consent of P5 countries. Fine. So peacekeeping operations, the power of authorization is only with Security Council. You have understood the difference? Peacekeepers can keep minimum arm only for self-defense. Yes? No, in peacekeeping, consent is required. See, first of all, you just write why peacekeeping came. Why peacekeeping came. See, peacekeeping is not in UN Charter. ये तो एक तरीके से है ही नहीं उस चार्टर में. ठीक है, वॉट इज देयर? कलेक्टिव सिक्योरिटी. अब वॉर्स वेयर टेकिंग प्लेस, सपोज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री इन थर्ड वर्ल्ड, बट बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन वॉज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं कर पा रहे थे? Because of veto power. ठीक है, तो यूएसए कोई एक्शन करता था तो यूएसएसआर वीटो यूज कर लेता था, तो वो हो ही नहीं पाते थे. अब हो ही नहीं पाती थी तो यूएन वॉज बिकमिंग रिडंडेंट इन इट्स मेन रोल. ठीक है, इसलिए टू मेक यूएन रेलिवेंट दैट टाइम the then Secretary General ठीक है ये नहीं वो पेन देना कोई भी ऐसे कागज दे दो ये वाला स्पाइरल लेके आओ वहां से संग्राम को दे दो. ठीक है, फाइन. सो सेक्रेटरी जनरल डैग हैमर एसके जोल्ड ही प्रपोज्ड peacekeeping. Now, what is the role of peacekeepers? Peacekeepers' role is till UN Security Council takes an action. जैसे war start हुई India and Pakistan में, तो UN Security Council says, you observe the ceasefire. We are considering the matter. Okay? So countries observe ceasefire. So, peacekeepers were sent. ठीक है, अब such type of provision was not there in the charter. And as per international law, ultimate principle क्या है? Sovereignty of the states. Nothing can be done without the consent.
अब इसमें तो चार्टर वी हैव साइंड सो कंसेंट वी हैव गिवन बट दिस वी हैव नेवर साइंड सो कंसेंट नॉट गिवन दैट्स व्हाई कंसेंट इज नीडेड फाइन तो व्हाई पीस कीपिंग स्टार्टेड राइट यूएन वॉज losing its relevance united nations was losing its relevance why dekho why cold war ko also bolte east west conflict right hence it was unable to perform its main functions so the then secretary general demanded introduced peacekeeping ab inka naam bhi likh sakte ho right dag hammer sk jold ab naam kyon kyunki best peacekeepers get this award theek hai ye medal milta hai best peacekeepers ko aur india ko ye medal mil chuka hai मदर टेरेसा ने कौन सी लड़ाई करने गई क्यों कंफ्यूज तो पहले आराम से बैठो स्ट्रेट होके बैठो सो गए तो फिर ड्रीम्स आने लगते हैं और तुम्हारी उम्र में मदर टेरेसा के ड्रीम कुछ तो गड़बड़ है किसी और का नाम लिया रहता तुमने नहीं लेकिन मतलब हम बता रहे हैं ऐसे कुछ है तो यू मस्ट सी टू इट कि भाई उम्र क्या है ड्रीम किसके कोई और ही ड्रीम में कोई और भी आता तो चलता ठीक है अब ये अवार्ड प्रीलिम्स के लिए यू शुड नो इंडिया हैड गॉट फिर अभी रीसेंट ऐसे तो एज सच फॉर इंडियन कंट्रीब्यूशन बट अभी अगेन फॉर 2-3 इंडियन पीस कीपर्स अगेन दे हैव गॉट दिस अवार्ड ठीक है तो डैग हैमर एस के जोल्ड अवार्ड दिया जाता है फॉर बेस्ट पीस कीपिंग कंट्री पर्संस ऑल्सो मतलब जैसे इंडिया गॉट बट नाउ 3 पर्संस फ्रॉम इंडियन टीम मींस दोज हु आर डूइंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस यू गिव दिस अवार्ड ओके नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस इन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड पीस कीपिंग फाइन सो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफेंसिव एक्शन है और पीस कीपिंग डिफेंसिव है नाउ यू राइट ऐसे लिखो सब एडिंग changing concept of peacekeeping changing concept of peacekeeping isme write first generation peacekeeping फर्स्ट जेनरेशन वी कैन कंसीडर टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर अब टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इट यूज टू बी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज फाइन एंड पीस कीपर्स मेन वर्क वॉज टू इंश्योर सीज फायर
आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट केम, सो पीस कीपर्स वर्क बिकेम मोर चैलेंजिंग. ठीक है. नाउ व्हेन द फाइट इज बिटवीन टू कंट्रीज, एनी टू कंट्रीज, बिकॉज लेट्स से इंडिया एंड पाकिस्तान, सपोज ऑन कुलभूषण यादव और एनी, बिकॉज वी बोथ आर सिग्नेटरीज टू यूनाइटेड नेशंस, सो यू विल एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट इन केस ऑफ सिविल वॉर इन अ कंट्री, देर आर नॉन स्टेट एक्टर्स, दीज नॉन स्टेट एक्टर्स विल नॉट एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वॉट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड अटैकिंग द पीस कीपर्स, एंड द कैजुअलिटीज ऑफ पीस कीपर्स हैज इंक्रीज्ड. सो द न्यू जनरेशन पीस कीपिंग एक्सपेक्ट्स एंड परमिट्स पीस कीपर्स टू हैव द वेपन्स बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस, एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन वेरी पर्टिक्यूलर अबाउट इट.